हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम सेवन्थ चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। इसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि आजकल की जो दुनिया है इसमें सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है और उसके कंसेप्ट क्या है, अंडरलाइनिंग कंसेप्ट जो है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो बेसिकली ये पार्ट वन है। पार्ट टू के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और सारी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, ओके? तो उसको आप चेक कर लेना। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी होती क्या है, क्या जो छोटी चोरी चकारियाँ होती हैं और ऐसा स्ट्रीट्स पे आप जा रहे हो तो आपका किसी ने वॉलेट चोरी कर लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ ही कोई जैसे छोटे छोटे जो थेफ्ट्स होते हैं, ओके? तो हम क्या उनको सिक्योरिटी इशू कह सकते हैं? वो क्राइम होता है लेकिन वो सिक्योरिटी इशू नहीं होता है, ओके? तो अगर हम उसको भी सिक्योरिटी इशू में डालेंगे तो फिर सिक्योरिटी का कंसेप्ट ना बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल सिक्योरिटी के जो जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ही खो देगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में इन्होंने ये बताया है कि सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक कंट्री को कौन सी चीज़ों से दिक्कत आ रही है, और जब तक कोई एक सिक्योरिटी इशू, वो इशू होता है जिससे एक कंट्री की जो एसेंस है, कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर एस्टिमेट हो रही हैं और उसकी वैल्यूज़ को थ्रेटन किया जा रहा है, ओके? और सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ही डेंजरस थ्रेट्स को ही सिक्योरिटी इशू बोला जाता है। और कोई भी ऐसी दिक्कत जो एक कंट्री की कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन करना चाहती हूँ, ओके? जैसे मान लीजिए इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, अब हमारे ऊपर थ्रेट क्या हो सकता है कि कोई ऐसी पावर जो नॉन डेमोक्रेटिक हो, जो कि डिक्टेटरशिप लाना चाहती हो, वो हमारी कंट्री और हमारी गवर्नमेंट पे किसी ना किसी तरीके से अटैक करना चाहे, तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो हमारी कोर वैल्यू डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है अगर वो एंडेंजर्ड करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और भी ऐसी बहुत सी वैल्यू होती हैं जो एक कंट्री साथ लेके चलता है, ओके? तो उनको अगर कोई थ्रेट करता है फिर हम उसे कहेंगे कि ये सिक्योरिटी इशू हो गया है। अब हम देखने वाले हैं कि ट्रेडिशनल नोशंस क्या होते हैं। ट्रेडिशनल नोशंस मतलब जो कह सकते हैं ये शुरुआत से वही इश्यूज हैं जिनसे जो अलग अलग साम्राज्य थे दुनिया में और डायनेस्टीज़ वगैरह, वो सारे ही लोग इन सब चीज़ों से ग्रस्त थे, उन्हें भी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, ओके? तो वो ट्रेडिशनल हैं और ये ओवरऑल हमेशा से ही, ये ट्रेडिशनल नोशन जो है ये हमेशा से ही हमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी को पोर्ट्रे करते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो देखने वाले हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल नोशन होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, इसमें ये माना जाता है कि सारे जो डेंजर की सोर्स है, सारे डेंजर का जो सोर्स है वो कोई और कंट्री है जो कि मिलिट्री एक्शन के द्वारा हमारी कंट्री को एंडेंजर कर सकती है, उसकी कोर वैल्यूज़ ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को वायलेट कर सकती है। इसीलिए किसी और कंट्री के मिलिट्री थ्रेट से हमें बचना है, यही होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? लेकिन आज के टाइम में, बहुत ही रिसेंट टाइम में हमने देखा और भी इश्यूज़ आएंगे जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अब मिलिट्री एक्शन जो है ये क्या करता है, आम लोगों की ज़िंदगी को भी एंडेंजर करता है, और ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ सोल्जर्स को अटैक करते हैं या हर्ट करते हैं, एक्चुअली ये क्या करते हैं, आम लोगों को टारगेट बना के जो गवर्नमेंट है उसे और ज़्यादा मतलब परेशान करना चाहते हैं और ऐसा फील कराना चाहते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में लाना चाहते हैं। क्योंकि जब आम लोगों पर अटैक होता है या फिर आम लोगों के लाइफ जो है उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है तो फिर पूरी कंट्री जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, ओके? अगर सोल्जर्स में लड़ाई हो रही है तो वो एक पॉइंट ऑफ प्लेस जो होती है, एक जगह जो होती है वहाँ पे वो दिक्कत रहती है, लेकिन अगर आम लोग ही परेशान हो गए तो पूरा देश गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए जो कुछ कुछ वॉर्स में क्वाइट ऑफन हमने ये देखा है कि आम लोगों पर भी अटैक किया जाता है। और अब एक मान लीजिए एक थ्रेट आ गया है किसी कंट्री में, तो उस थ्रेट को सॉल्व करने के लिए या फिर उसको टैकल करने के लिए कंट्री के पास तीन चॉइसेस होती हैं, या तो सरेंडर कर दो, दूसरा यह है कि वो प्रिवेंट करे वॉर, और दूसरी कंट्री को हम ये शो करें कि जो कॉस्ट है वॉर का वो बहुत बड़ा है, अगर आप यहाँ से जीतोगे भी तो भी आपको ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला है, ओके? मतलब हम भी आपका इतना नुकसान कर देंगे कि आपको ओवरऑल ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर
टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। अब नेक्स्ट है टू डिफेंड। अब तीसरा ये होता है कि खुद को डिफेंड करना जब वॉर एक्चुअली हो जाती है। तो पहला क्या था, सरेंडर कर दो। दूसरा था कि प्रिवेंट कर लो और उस कंट्री को ये फील कराओ कि अगर आप वॉर करोगे तो हम भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो आप आपको डैमेज कर सकते हैं, इसलिए वॉर करना अनएक्सेप्टेबल होगा और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा दोनों साइड्स को। ये शो कर सकते हैं, प्रिवेंशन होती है ये बेसिकली। और दूसरा है कि हाँ, जंग छिड़ चुकी है और जंग में हमें अपने आप को अब डिफेंड करना है। इसका मतलब होता है कि फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो दिखेगी। ओके, इसका मतलब यही होता है कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी जंग लड़नी ही होगी। और बेसिकली यहाँ पे कभी कभी जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, सरेंडर भी कर देती हैं, लेकिन जब सरेंडर वो करती हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया जाता है कि उस कंट्री ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उससे फिर एक बहुत ही गलत इमेज जाती है आम लोगों के माइंड में अपनी कंट्री की फोर्सेस और अपनी कंट्री की गवर्नमेंट की पावर को लेकर। ओके, और जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है ये ज़्यादातर, ओके, आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है कि हम वॉर को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल हर एक कंट्री के पास, इवन छोटी बड़ी कैसे भी कंट्री हो, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं कुछ कुछ मात्रा में, और वो बहुत डैमेजिंग होते हैं अगर उनको यूज़ किया जाएगा। और ऐसे चीज़ों से अगर हम आज के टाइम पे वॉर लड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, पूरी ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए आजकल प्रिवेंट किया जाता है वॉर को, इसको हम डेटरेंस कहते हैं। ओके, प्रिवेंटिंग वॉर जिसको हम कहते हैं डेटरेंस, एंड लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज़ कॉल्ड एज डिफेंस। अब तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आजकल हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। ट्रेडिशनली जो पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि हम पावर को बैलेंस करके चल पाएं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ देश होते हैं, तो मान लीजिए हमारे जो इंडिया है, हम अपने आसपास देखेंगे कि कौन से कंट्रीज़ हमको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कुछ कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज़ हमसे कम डेवलप्ड हैं। कम डेवलप्ड कंट्री को हमने नेगलेक्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, इनसे हमें कभी भी कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो उनको हम एज अ थ्रेट समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये कंट्री पावरफुल है, यही एक सबसे बड़ा सिग्नल है कि ये लोग कभी ना कभी तो हम पे अटैक कर सकते हैं, या फिर अगर हमने कभी इनकी बात ना मानी और हमने इनकी पॉलिसीज़ को अप्रूव नहीं किया, कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो हमें अच्छी ना लगे, हमने इनका सपोर्ट नहीं किया, तो शायद ये हम पे एग्रेशन दिखाएं और शायद ये कभी एग्रेसिव हो जाएं फ्यूचर में। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये एक कंट्री को होती रहती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स जो हैं आजकल क्या करती हैं, बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करती हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करती हैं पावर में किसी ना किसी तरीके से। और फिर वो इस चीज़ को करने के लिए क्या कर सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत पावरफुल कंट्री है लेकिन दूसरा एक छोटा कंट्री है, बट उन्होंने क्या कर रखा है, साथ में न्यूक्लियर वेपन्स ला रखे हैं, तो उससे उनकी पावर बैलेंस हो गई। अब एक बड़ी कंट्री भी इस छोटी कंट्री से ज़्यादा एग्रेशन और ऐसे बुलिंग वाले नेचर से उनको नहीं देखेगी कि इनको तो हम मनवा ही लेंगे या फिर हम इन पे एग्रेशन कर देंगे। तो वो जो बड़ी कंट्री है अब वो थोड़ा सा उनसे डरेगी। और ज़्यादातर हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स जो हैं बैलेंस ऑफ पावर का ये जो एक्सरसाइज होता है इसको करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, और फेवरेबल बैलेंस बनाने के लिए पावर का वो हमेशा उनको मेंटेन करना पड़ता है, और हम कह सकते हैं इनको अप टू डेट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बैलेंस ऑफ पावर हो गया तो ठीक है, नहीं, हर एक जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप होती रहती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा और उन कंट्रीज़ के साथ बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना पड़ेगा जिन कंट्रीज़ को हम समझते हैं कि ये हमें थ्रेट कर सकती हैं, हमें थ्रेटन कर सकती हैं। और बैलेंस ऑफ पावर को जो बिल्ड करने का तरीका होता है वो सबसे बड़ा तरीका होता है कि मिलिट्री पावर को एक्वायर किया जाए। साथ ही साथ आजकल तो ये भी हो गया है कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जिसकी टेक्नोलॉजिकल पावर अच्छी है, वो भी एक कंट्री जो है पावरफुल कहलाता है। और क्योंकि आजकल के मिलिट्री पावर में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है और इकोनॉमी यानी कि पैसे का बहुत बड़ा हाथ है, और ओवरऑल इकोनॉमी कैसी चल रही है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल हमें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर जो है उसको यूज़ करके बैलेंस ऑफ पावर लाना होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि एक अलायंस बिल्डिंग नाम की चीज़ होती है, तो ट्रेडिशनली ये भी करके लोग बैलेंस बना पाते हैं पावर में। ओके, तो अगर मान लीजिए उनको किसी
कंट्री से थ्रेट फील हो रहा है, तो वो अलायंस बिल्डिंग करते हैं ताकि वो कंट्री उनको ऐसा समझे कि हाँ ये भी कुछ पावरफुल हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनको कल जाएंगे और जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो कोई अगर कंट्री अपने आप को बचाना चाहती है तो वो अलायंस बिल्डिंग भी कर सकती है। अलायंस बिल्डिंग क्या होती है कि वो कोलेशन करते हैं स्टेट के साथ और कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके, ताकि कोई भी अगर उनके खिलाफ अटैक हो तो उसको डिफेंड कर सके और अपने आप को बचा सकें। तो यहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ती है, ग्रुप बनाती है, ताकि अगर एक कंट्री पे कोई अटैक हो तो सारी कंट्रीज मिलके उसका जवाब दे पाएँ, और फिर क्या होगा, ओवरऑल उस चीज़ को वो लोग अपने आप को डिफेंड करने में वो लोग कामयाब हो पाएंगे। अब जो ये ज़्यादातर अलायंसेस होते हैं, इनको ट्रीटीज़ वगैरह साइन करके पक्का बनाया जाता है, और इनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से रखा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ इस कंट्री से हमें थ्रेट हो सकता है और ओवरऑल किस चीज़ से हमें थ्रेट है। वो सारी चीज़ें उस ट्रीटी में अच्छे से जो कोलेशन जिनके साथ बनाया है उनसे डिस्कस करी जाती है और फिर अलायंस बनाई जाती है। तो अब जो कंट्रीज़ हैं अलायंसेस बना के अपनी पावर को बढ़ाती हैं ताकि ओवरऑल जो दुनिया है वो उनको एक ग्रुप के रूप में देखे और ये ना समझे कि ये लोग वीक कंट्रीज़ हैं। और क्योंकि बहुत सी, अगर मान लीजिए वो कोई कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो काम नहीं कर रही है, ठीक ठीक से काम कर रही है, तो वैसे ही अगर दो तीन कंट्रीज आ जाएंगी साथ में तो फिर वो ओवरऑल दुनिया के सामने उनका एक जो ग्रुप है वो पावरफुल हो जाएगा, एंड ये समझने लगेंगे लोग कि इनकी आपस में बहुत अच्छी हो रही है, तो ये लोग ओवरऑल एक दूसरे को हेल्प करके हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है अलायंस बिल्डिंग की खासियत। तो अलायंसेस जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। जो भी एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है कि हमें अपने आप को डिफेंड करना है, हमें अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है, इन सब तरीक़ों से ही अलायंसेस जो हैं वो बिल्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि एक कंट्री है वो पहले किसी का साथ दे रहा था, आज किसी का साथ दे रहा है। तो यहाँ पे यूएसए जो है वो इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं अफगानिस्तान में, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना था तब उन्होंने इस्लामिक मिलिटेंट्स का साथ दिया 1980s में, लेकिन फिर जब अलकायदा ने 9/11 करा दिया तो जो यूएसए है अब अलकायदा के पीछे पड़ गया और उनको ढूंढने लगा, और फिर उन्होंने लास्ट में ओसामा बिन लादेन को मार ही दिया था। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि यूएसए को जब सोवियत यूनियन से लड़ना था तो उसका इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे सोवियत यूनियन को हराना है, लेकिन अब जब उनकी अपनी कंट्री में उन इस्लामिक मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया तो फिर वही इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं उनके उनके एनिमी बन गए। ओके, तो ये ओवरऑल एक चीज़ है कि अलायंस, अलायंस मतलब हम टीम उसी के साथ बनाते हैं जिसके साथ हमें लगता है कि हाँ ये जो सामने वाली पार्टी है ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो जैसे ही वो फ़ायदा नहीं पहुंचता है और वो नुकसान में बदल जाता है तो हम पार्टी चेंज भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काम होता है। और ट्रेडिशनल व्यू जो है सिक्योरिटी का, उसमें ज़्यादातर जो थ्रेट्स हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत ज़्यादा कुछ सही नहीं है क्योंकि ओवरऑल ये जो आइडिया है ट्रेडिशनल आइडिया, ये उस टाइम से निकले हैं जब कोल्ड वॉर का टाइम, नहीं कोल्ड वॉर से पहले का टाइम, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम में ये माना जाता था कि अपनी कंट्री के अंदर जो हो रहा है उसको तो हम देख लेंगे, और ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो डेवलप्ड थी, इसीलिए क्या होता था वो लोग इतना परेशान नहीं होते थे कि हमारी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है। वो लोग डेवलप्ड थे तो ठीक ठाक उनके वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बनी रहती थी, एंड इसीलिए वो बाहर से जो दिक्कतें आ रही थी, बाहर से जो थ्रेट आते थे उसको ही टैकल करने में जुड़े होते थे। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जो एक कंट्री होती, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है सिक्योरिटी को देखने का, उसमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बाहर से ही कोई थ्रेट आने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है और यहाँ पे कोई सेंट्रल सिक्योरिटी नहीं है। ओके, अब सेंट्रल सिक्योरिटी नहीं है इसीलिए कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है। अब हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कोई, देर इज़ नथिंग सच एज वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसे कंट्रोलिंग बिहेवियर है, कंट्रोलिंग पावर है। और अगर हम उसी ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि कंट्री के इनसाइड यानी कि इंटरनल जो चीज़ें होती हैं एक कंट्री में, उसको फिर भी एक सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं वो चलाती है, इसीलिए जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं उसको थोड़ा सा कम आंका जाता है और थोड़ा सा कम लेवल पे थ्रेट माना जाता है। वो भी एक थ्रेट होता है लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा छोटा थ्रेट होता है। और
अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहेंगे कि यूएन तो है, यूएन जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरीके से या फिर पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो मेंबर्स बन चुके हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि यूएन जो है कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा है। ओके, यूएन क्या करता है, अगर किसी कंट्री में कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करना, और कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, ये सारी चीज़ों को आजकल यूएन का यही काम है। ओके, और कहीं पर ज़्यादा वायलेंस हो गया फिर उसको सारे सारे जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं वो मिलकर उसको सॉल्व करती हैं, लेकिन यूएन जो है वो किसी कंट्री को कंट्रोल नहीं करता है। ओके, जब वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, जब वहाँ पे क्राइसिस आ जाता है, तब यूएन वहाँ पे जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री को यूएन कंट्रोल कर रहा है, यूएन सिर्फ असिस्ट करता है और हेल्प करता है, और उनके जो क्राइसिस होते हैं उनसे उन्हें बचाता है। कहीं पे पॉवर्टी ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको उनके लिए कुछ आइडियाज़ और कोई ऐसी ओवरऑल वॉलंटियरिंग वगैरह, और कहीं पे अगर वॉयलेंस हो रहा है तो वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस, ये चीज़ होती है जो यूएन करता है। अगर हम ये सोचें कि यूएन किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है या फिर यूएन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। यूएन को जिन्होंने बनाया है, यूएन एक्चुअली उनकी ही बात मानता है और उनके हिसाब से चलता है। इसीलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की आजकल चीज़ है। इसीलिए हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही जिम्मेदार होना पड़ता है। इसीलिए कंट्रीज जो हैं ज़्यादा ज़्यादा हमेशा ही सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम करती रहती हैं, और बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल नोशंस होते हैं उसके हिसाब से इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले, अब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कारण इसका ये है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनली होते हैं उनको इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कंसेप्ट उठ के आया था, जो ट्रेडिशनल नोशन अभी हम देख रहे हैं, बाद में हम नॉन ट्रेडिशनल भी देख लेंगे जो कि ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है। तो वहाँ पे दिक्कत ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब जब इतनी ज़्यादा जंग हो रही है, बाहर से आप पे लोग अटैक कर रहे हैं, तो आप अंदर जो हो रहा है उसको ये नहीं सोचोगे कि ये वाला थ्रेट बड़ा है, आपको बाहर वाला थ्रेट ही ज़्यादा बड़ा लगेगा। और ज़्यादातर यहाँ पे पावरफुल कंट्रीज जो थी वो जंग लड़ रही थी, इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ पे अश्योर्ड थी, वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। ओके, और उन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट है एंड टेक्नोलॉजी वगैरह भी उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी, तो इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि इंटरनली हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बाहर की जो फोर्सेस हैं उनसे उनको डर था कि ये हमारी टेरिटरी में कोई बम्बार्टमेंट, कोई अटैक ना कर दें। तो इसलिए जो ये एक नोशन है, ये जो एक तरीका है कि जो थ्रेट है वो बाहर से ही होता है, ये वाला वहाँ से डेवलप हुआ। अब 1945 के बाद जो यूएस है और जो सोवियत यूनियन है, ये थोड़ा थोड़ा एक साथ ही आते हमें दिखे, यूनाइटेड दिखे हमें 1945 के बाद, क्योंकि वो कोल्ड वॉर एरा नहीं था। तो उस टाइम पे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लोग साथ में ही एलाइज फोर्सेस में थे। ओके, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे ये लोग साथ में ही थे और ज़्यादा पीस थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि उनके जो बॉर्डर हैं वहाँ पे भी वो लोग देख रहे थे कि ज़्यादा कोई दिक्कत आ नहीं रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे भी जो उनके कम्युनिटीज़ रह रही हैं अंदर, कोई भी प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं कर रहे थे बहुत बड़ी। तो इन सब चीज़ों के कारण ओवरऑल सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका ध्यान था बॉर्डर्स के पार, यानी कि दूसरे देशों के तरफ, कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या ये हमारी कंट्री में थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही उनके दिमाग में चलती थी। लेकिन ये है कि इन जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं 1945 के टाइम पे, इनके पास भी एक थ्रेट था जो कि एक्सटर्नल थ्रेट था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये लोग भी फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, ये कुछ उसके 2-3 साल बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस, सोवियत लेड कम्युनिस्ट अलायंस था, और उसके कैंप्स में दुनिया जुड़ती जा रही थी। और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि अब ये दोनों अलायंसेस एक दूसरे से ही डरते रहते थे कि ये हम पे अटैक कर देंगे किसी न किसी तरीके से, तो ये सब होता रहता था, इसलिए एक्सटर्नल थ्रेट ज़्यादा था। और कुछ यूरोपियन पावर्स जो हैं वो इस बात से भी डरती थी कि हमारी कॉलोनी जो है, यानी कि जैसे कि इंडिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ पे भी, इंडिया में भी जब हमें आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी तो बहुत वायलेंस हुआ, तो
उस वायलेंस से यूरोपियन पावर्स को भी थोड़ा डर लगता था। ऐसा नहीं है कि जिस देश को वो चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस कंट्री को वो लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, गवर्नेंस हो रही है वहाँ पे, तो उनको फ़र्क पड़ता था कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, साउथ एशिया की अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ पे उनकी कॉलोनी है वहाँ पे क्या हो रहा है, और क्या कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही हैं। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता था कॉलोनीज़, जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज। तो अब अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ने भी वॉर लड़ी थी वियतनाम में 1950s में, और ब्रिटिश ने वॉर लड़ी थी कीनिया में। तो इन सब तरीकों से उनको, उन पर भी एक प्रेशर था इस चीज़ का। एंड फिर हमने देखा कि कॉलोनीज़ जो है फ्री हो गई 1940s के आसपास, सारी की सारी कॉलोनीज़ जो है फ्री हो गई थी 1940s के आसपास। अब यहाँ पे न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज आने लगी दुनिया के स्टेज पे, और इनकी सिक्योरिटी इशू भी जैसे इंडिपेंडेंट यूरोपियन पावर्स होती थी वैसे ही इश्यूज इनको भी इनके सामने भी आने लगे। और ये लोग क्या हैं, ये लोग भी कोल्ड वॉर अलायंसेस में जुड़ने लगे, कोई सोवियत यूनियन का साथ देने लगा, कोई यूएसए का साथ देना देने लगा। देयरफॉर इनको भी अब दिक्कत हो गई थी कि कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर नहीं बननी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि हम भी, ये जो वॉयलेंस है इसमें इनको हमें भी इसमें ड्रैग कर लिया जाए या हमें भी इसको घसीट लिया जाए, क्योंकि हमें अभी अभी वॉर मिली है, इसलिए हमें इन हॉस्टिलिटीज़ जो हैं या जो वॉयलेंस है उसमें नहीं पड़ना है। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी उन कंट्रीज़ की जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी। और उनको ये भी लगता था कि शायद हमारा जो नेबर है, अगर उसने दूसरा साइड ऑफ द, जैसे कि मान लीजिए अगर यूएसए को, अगर इंडिया जो है उसने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन कर लिया, तो फिर हमारी लड़ाई होना और भी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है, यही चीज़ से वहाँ पे अलग अलग बहुत से देशों को इस चीज़ का डर था कि शायद हमारे नेबरिंग कंट्री ने दूसरा दूसरा जो है कैंप ज्वाइन कर लिया है, तो शायद हमें उससे खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। एंड जो कोल्ड वॉर है दो सुपर पावर्स के बिटवीन, ये 1/3 ऑफ द वॉर जो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में, ये इनके कारण से ही हुई है। ओके, 1/3 मतलब 33% जो है वो इनके कारण ही वॉर्स हुई हैं। और लेकिन अगर हम देखें कि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया की, अफ्रीका की, इनके पास जो चैलेंजेस थे वो थोड़े बहुत यूरोपियन पावर से अलग भी थे। सो यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने देखा कि इनको बाहर से नहीं, अंदर भी, इनके नेबरिंग से भी, और जो अंदर इनके कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनसे भी थ्रेट जो है वो आ रहा है, वहाँ पे भी वायलेंस होने का खतरा है। तो ये कंट्रीज़ जो हैं इनको ये लगने लगा कि शायद हमारे यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी वगैरह के कारण कोई इंटरनल वायलेंस हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों से भी इनको डर था। और जो बहुत सी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने शायद, उन्होंने उनको एक और ख़तरा जो है वो सबसे बड़ा ख़तरा इनको लगता था अपने नेबर्स का, ना कि यूएस और सोवियत यूनियन का। इनको हमेशा से ये लगता था कि शायद हमारा नेबर जो है, नेबरिंग कंट्री जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्री और इस कंट्री की पावर है जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, उनकी पावर कंपैरेटिव है, और उनको एक दूसरे में सोवियत यूनियन और कोलोनाइज्ड पावर और यूएसए से ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब यूएसए, सोवियत यूनियन और कोलोनियल पावर, इनको इनसे इनसे फ़र्क तब पड़ेगा जब इनको इनकी ज़रूरत होगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन जो है वो हमेशा किसी एक ही देश पे नज़र बनाए रखेगा, उनको अलग अलग देशों से अलग अलग मतलब हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उस, वो तो अपने नेबर के साथ हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि वो ज्योग्राफी के हिसाब से ही एक साथ हैं। इसीलिए जो ये कंट्रीज़ हैं जिनको नई नई आज़ादी मिली थी, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, और भी मलेशिया, सिंगापुर, उनको सबको एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इन कंट्रीज़ में ये डर था कि शायद हमारे नेबर्स हमारी पावर को कम ना कर दें या फिर हमसे वॉर ना करें। तो ये सारी जो थ्रेट्स हैं ये इनको फील होते थे। और हमने ये भी देखा कि बॉर्डर इश्यूज बहुत बन गए थे, इवन इसराइल, फिलिस्तीन, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे जो हैं बॉर्डर इश्यूज कोलोनाइज्ड पावर के जाने के बाद ही सामने आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये नेबर्स से लोग डरते इसलिए थे क्योंकि ये लोग टेरिटरी और बॉर्डर के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े रहते थे, और एक दूसरे की पॉपुलेशन को और पीपल को कंट्रोल भी करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे इश्यूज थे जो छोटे देशों के पास, यानी कि जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, उनके पास ये सारे इश्यूज थे। और इंटरनली अगर हम बात करें तो
तो ये जो नई कंट्रीज हैं इनको थ्रेट था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना हो जाए, कोई अलग अलग कम्युनिटीज हैं तो वो एक दूसरे के साथ ही लड़ने ना लग जाएं, कोई कम्युनिटी इंडिपेंडेंट कंट्री ना मांगने लग जाए। ये सारे ही इश्यूज थे जो नई कंट्रीज बनी थी उनको, और जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में ये सोचते थे कि जो नेबरिंग कंट्री है वो अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप का साथ देगा तो हमारे कंट्री के अंदर जो वायलेंस होगा उसका जिम्मेदार होगी हमारी नेबरिंग कंट्री। ऐसा कहा जाता है कश्मीर वाले इशू में भी कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में मिलिटेंट्स को हेल्प करता है, एड करता है। तो ये इसके कारण हो क्या रहा है, इंडिया की टेरिटरी पे, इंडिया की ज़मीन पे वायलेंस बढ़ रहा है। तो ये जो दिक्कत है इस दिक्कत को ही यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो ये जो नेबर की बात कर रहे हैं ना कि नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट द सेपरेटिस्ट ग्रुप, इसको आप कश्मीर और पाकिस्तान वाले एग्जांपल से समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में टेररिज्म को हेल्प करता है। तो इस चीज़ ये वाली जो चीज़ है ये बहुत सी कंट्रीज पे अप्लाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वाला ये मुद्दा है, ये बहुत से ऐसी कंट्रीज होंगी जिनमें ये सेम ही मुद्दा चलता होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं इंटरनली ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पावरफुल पावर्स को क्या थ्रेट है हमने पहले वो देखा, फिर हमने देखा कि कैसे न्यूली फाउंड स्टेट, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को भी बहुत से इश्यूज हैं जो उनके लिए, जिसके लिए वो कंसर्न्ड है। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट टू में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का लिंक डाल दूंगी पार्ट टू का, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।